छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई ना तो ये आईसीएमआर के कॉलम में था ना हमने एडिशनल डाटा जमा किया। अब मुझे आप बताइए गलती किसकी है, राज्य की या केंद्र की? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत हतप्रभ हूं कि केंद्र सरकार और क्या इस पर राजनीति उचित है जो राहुल भार्गव जी ने उठाया मुद्दा? नहीं, मैं राहुल भार्गव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं हतप्रभ था ये बयान पढ़ के कि केंद्र की सरकार ये जवाब कैसे दे सकती है कि राज्यों ने ये जानकारी मुहैया कराई, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। बेसिकली कोरोना वायरस बीमारी क्या है, इससे निमोनिया होता है, अर्थात लंग्स जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, इसलिए वो कार्डियक अरेस्ट में बदल जाता है या दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है और डेथ हो जाती है। तो प्राइमा फेसी हेल्थ मिनिस्ट्री किसी भी राज्य सरकार की ये बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो हुई डेथ ऑक्सीजन की कमी से, जितनी डेथ हुई है वो इसी कारण हुई है कि उनके लंग्स अफेक्टेड थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है जिस पर राज्य मुद्दा क्यों बनाया गया? आप इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं पर ट्वीट क्यों हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बताइए? सुनिए ना, क्यों राजनीति हो रही है लाशों पर? फिर बिल्कुल इस पर आपने इतने अच्छे से मुद्दा समझा दिया भाई दुबे जी। देखिए, इसकी समालोचना जरूर होनी चाहिए, हर प्रतिपक्षी राजनेता को करना चाहिए। ये मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग के मिनट्स हैं, ये हैं 1 अप्रैल 2020 की। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को कह रहे हैं कि चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 10(2)(1) में हम डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, तो भविष्य के भारत के लिए अनिवार्य है कि आज जो हमारे पास 4,200 मेट्रिक टन की लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, भविष्य के भारत में हमको अधिक लगेगी, क्योंकि ये बहुत गंभीरता से बीमारी आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हमको जितनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करनी, इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ। अब होता क्या है, इसी दौरान केंद्र की सरकार इस नोटिफिकेशन के बाद, इस सर्कुलर के बाद 9,301 मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर देती। मतलब इससे उनकी गंभीरता समझ में आती है कि वो केंद्र की सरकार कितनी गंभीर थी। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने, चलिए मैंने माना केंद्र ने गलती की, मैं तो मान रहा हूं, पर क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्या मौतों पर राजनीति होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि राज्यों की जो क्षमता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बताई, और ये भी बताया कि उड़ीसा में कैसे सरप्लस होगी, हिमाचल प्रदेश में कैसे सरप्लस होगी, उसको मैपिंग करनी। उन्होंने कहा उसके लिए क्रायोजेनिक कंटेनर्स और हमको प्रेशर सिंक एब्जॉर्प्शन प्लांट 162 लगाने, ये सारी रूपरेखा तैयार है। उसके एक साल बाद तक कोई मीटिंग नहीं की, 15 अप्रैल 2021 को दूसरी मीटिंग करते हैं। इतना झूठ बोलते हैं जिस तरह से राहुल गांधी टीवी चैनल, डॉक्टर मनोज यादव ट्विटर के ऊपर आकर झूठ बोलते हैं। अभय दुबे भी आखिरी बात करने दीजिए, ये इसलिए सुन लीजिए, अभय दुबे जी बहुत बोल दिया आपने। मोदी सरकार, एक मिनट, मोदी सरकार अपनी सत्ता का ऑक्सीजन बंगाल में ढूंढ रही थी, वो अगर नहीं ऑक्सीजन ढूंढ रही होती, सत्ता कितनी भी तैयारी कर लीजिए, इतना बड़ा सैलाब कोई नहीं जानता था।